गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे बच्चों। अब जो क्वेश्चंस हैं ये 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 8 मार्कर क्वेश्चन है ये, ठीक है। और टॉपिक का नाम है कैपिटल एडजस्टमेंट्स। इस चैप्टर एडमिशन में हम दो टाइप की कैपिटल एडजस्टमेंट सीखेंगे। पहली एडजस्टमेंट जो हम आज की क्लास में सीख रहे हैं, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं गिवन होगी। इसके लिए वर्ड्स लिखे होंगे कि न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ब्रिंग्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल इन द फर्म। तो ये प्रोपोर्शनेट वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पर न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर। तो आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि जब न्यू पार्टनर की कैपिटल ही मिसिंग हो, सब में ही नहीं है, कि वो कितनी कैपिटल के लिए आ रहा है, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम न्यू पार्टनर की कैपिटल निकालेंगे, किसको बेस मानना है। ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमने बेस मानना है। तो ये जो हमारे पास ओल्ड पार्टनर की कैपिटल होनी चाहिए, ये कौन सी कैपिटल लेनी है, एडजस्टेड कैपिटल क्लोजिंग, जिसमें सब कुछ रिवोल्यूशन, गुडविल, रिजर्व सारी एडजस्टमेंट कर दी गई हो। तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को हमने बेस मानना है और इसके बेस पर न्यू पार्टनर की कैपिटल फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बिना कैपिटल के कोई भी पार्टनर फर्म को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो कैपिटल कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल को बेस मान के, ठीक है। फिर एक और हम मेथड सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना हो उसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होती है। तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पर, न्यू के बेस पर ओल्ड की एडजस्ट करते हैं। तो आज हम जो सीख रहे हैं इनमें किसी भी सम में हमें न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं गिवन, तो कैसे निकालनी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल हमें निकालनी है। तो अब हम इलस्ट्रेशन 75 कर रहे हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हम 74 तक समझ चुके हैं। यहाँ से 8 मार्कर क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट गिवन है बच्चों क्वेश्चन में। तो सबसे पहले बैलेंस शीट पर ध्यान देना है, कोई एसेट साइड पर या लाइबिलिटी साइड पर कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। तो आप टिक कर लीजिएगा, एक तो रिजर्व फंड हमने ज़रूर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जितनी भी ओल्ड चीज़ें हैं वो ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में जाएंगी ही जाएंगी। और बैंक ओवरड्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट जिस भी सम में आ जाए तो हमने अपने आप पे करना है। न्यू पार्टनर जो भी चीज़ें देगा, कैपिटल है या प्रीमियम है, वो हमने बैंक के थ्रू मंगवाना है। अब क्वेश्चन में नया पार्टनर 1 अप्रैल 18 को सी आ रहा है, सी फॉर्म को ज्वाइन करता है, कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/6 शेयर के लिए आ रहा है। और हमें सभी पार्टनर्स की न्यू रेशियो भी गिवन है, 3:2:1, ठीक है। तो ओल्ड भी है हमारे पास, या कभी ओल्ड ना भी गिवन हो तो क्या माननी है, इक्वल। ओल्ड भी है रेशियो 2:1 ए और बी की, और न्यू रेशियो भी है। तो ओल्ड माइनस न्यू करके हम सेक्रीफाइजिंग रेशियो ज़रूर निकालेंगे, क्योंकि उस रेशियो में हमारी बहुत इंपॉर्टेंट गुडविल की एंट्री होगी। तो इस सम में हमें कहा गया है रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, कैपिटल अकाउंट बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बच्चों बहुत ज़्यादा ईजी है। रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट हैं 2nd, 3rd, 4th and 5th। मैं इसको रीड कर रही हूँ, आप इसको समझिए। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 से रिड्यूस हो गया। तो अगर हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे इसमें, तो प्रोविजन का रिड्यूस होना अच्छी बात है, हमारे लिए गेन हो गया है। प्रोविजन इंक्रीज यहाँ होते हैं लॉस वाली साइड पर, और डिक्रीज यहाँ पर होते हैं। बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000 से डिक्रीज होना हमारा गेन है। थर्ड पॉइंट है, एक ओल्ड टाइप राइटर था 2600 का, और ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं था, लेकिन एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर ये डिस्कवर हुआ कि टाइपराइटर भी हमारी एसेट है। तो हम टाइपराइटर जो कि अभी तक अनरिकॉर्डेड था, इसको भी हम बुक्स में एज एन एसेट रिकॉर्ड कर लेंगे। टाइपराइटर की वैल्यू है 2600। बैलेंस शीट में हमारी एक इनटेंजिबल एसेट्स है पेटेंट्स,
जिसकी वैल्यू थी 2000, लेकिन एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ये पता चला कि पेटेंट्स की वैल्यू जीरो हो गई है, वैल्यूलेस यानी कि जीरो, यानी पेटेंट्स को अब बैलेंस शीट की एसेट में नहीं दिखाना और एक एसेट का कम्प्लीटली खत्म हो जाना हमारा लॉस होता है। पेटेंट्स की वैल्यू 2000 से हमें लॉस हो गया, रिवोल्यूशन की डेबिट साइड पर आएगा। और एक और पॉइंट है लास्ट जो रिवोल्यूशन में जाएगा, वो है कि क्रेडिटर्स से 2% का डिस्काउंट मिल सकता है। इसके लिए आपको प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, ये लॉस वाली साइड पर जाते हैं, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स ये हमारा गेन है, यानी क्रेडिटर को हमें कम पेमेंट करनी पड़ेगी, कुछ हमें डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, क्रेडिटर्स के ऊपर 2% का डिस्काउंट निकालेंगे तो ये 400 आएगा। इस तरीके से आप रिवोल्यूशन अकाउंट बना लेंगे और ये जो भी प्रॉफिट है ए और बी ओल्ड पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। 2000 ए की कैपिटल में जाएगा और 1000 बी की कैपिटल में जाएगा। अगर कुछ नहीं कहा तो ये मानना है कि कैपिटल कैसी है, फ्लक्चुएटिंग है। रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद अब हम वेरी इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड करेंगे जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलमर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है। हमारी फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, ए और बी पहले से ही थे, ए बी और सी अभी नया पार्टनर फॉर्म को ज्वाइन करता है, ए बी और सी। तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं वो हम बनाएंगे, फिर मैं आपको इस वाले पॉइंट को समझाती हूँ कि सी पार्टनर प्रोपोर्शनेट कैपिटल ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के बेस पर कैसे लेकर आएगा। तो आपने बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का बैलेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में जो गिवन है वो है 60,000 ए का और 35,000 बी का। वो सारी चीज़ें जो पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को इंक्रीज करेंगी वो यहाँ आएंगी। जैसे अभी अभी हमने रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकाला था, 2000 ए को मिले, 1000 बी को मिले। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में पहले से ही रिजर्व फंड अपीयर है जिसको हमने ओल्ड पार्टनर की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 8000 इसको, 4000 इसको मिले। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जब न्यू पार्टनर सी आ रहा है तो उसकी कैपिटल नहीं पता, वो अभी हम कैपिटल एडजस्टमेंट करके निकालेंगे, तो प्रीमियम का पॉइंट देखना होगा कि क्या वो गुडविल ला रहा है कैश में, यस ब्रिंग्स वर्ड लिखा है क्लियरली, तो यहाँ पर प्रीमियम वो लेकर भी आएगा जिससे हमने कैश को इंक्रीज करना है और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। ओल्ड माइनस न्यू करके जब हम सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालते हैं तो ए ही अलोन सेक्रीफाइजिंग पार्टनर है, बी का कोई भी सेक्रीफाइस नहीं आ रहा, जीरो है, तो सारा प्रीमियम जो सी लाएगा वो किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, ठीक है। सी का जो शेयर है 1/6 वो सारा कौन पे कर रहा है, ए पे कर रहा है, इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल पाने का राइट भी ओनली ए पार्टनर को है, तो 10,000 इसकी कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देंगे। इस साइड पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है डेबिट साइड पर जो पार्टनर की कैपिटल के बैलेंस को रिड्यूस करे। तो नॉर्मल हम बैलेंस कैरी डाउन जब निकालते हैं तो ए का आया 60,000 और बी का आ रहा है 35,000, ठीक है। ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल के एडजस्टेड बैलेंस जो हमें चाहिए, जो कि हमारा बेस है, वो हमें मिल गया, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब इसके बेस पर हमें सी पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा वो हमें निकालनी है। तो हम यहाँ पर पहले नॉर्मल बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे, टोटल कैपिटल एडजस्टमेंट को बेटर है नीचे, इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, एक्सटेंशन, ठीक है। कैपिटल एडजस्टमेंट चाहे ओल्ड के बेस पर न्यू की आ जाए या न्यू के बेस पर ओल्ड की, कैपिटल एडजस्टमेंट कैसी भी हो आपने ये एक्सटेंशन बनानी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। पहले जितने भी ए और बी के नॉर्मल बैलेंसेज आ रहे थे सारी रिवोल्यूशन रिजर्व गुडविल के एडजस्टमेंट करने के बाद उसको हमने ब्रॉड डाउन किया, ए का है 60,000 और बी का है 35,000, ठीक है। अब बैलेंस शीट में क्योंकि ना कैश गिवन है ना बैंक गिवन है, लेकिन बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो आपने हर जगह पर बाय बैंक लिखना है, और वैसे भी हमने इस ओवरड्राफ्ट को पे कर देना है, इसीलिए जो भी न्यू पेमेंट हम मंगवाएंगे वो चेक के थ्रू मंगवाएंगे ताकि हमारा बैंक बैलेंस नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल ला रहा है ये हमें अब निकालना है, तो इसके लिए हम वर्किंग नोट बनाएंगे बच्चों। मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ वर्किंग नोट, आपने भी ये जरूर बनाना है,
इस पॉइंट को प्लीज ध्यान से समझिए। सबसे पहले सी का हमने प्रॉफिट में शेयर देखना है कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। सी आ रहा है 1/6 शेयर के लिए। टोटल प्रॉफिट कुछ नहीं कहा तो हमेशा कितना मानना होता है, 1। 1 में से 1/6 हम माइनस करेंगे तो 5/6 क्या है, इन ओल्ड पार्टनर का शेयर। 1 में से अगर हम 1/6 सी को दे देते हैं तो बाकी बचे हुए पार्टनर ए और बी का शेयर कितना है, 5/6 है। तो हम लिखेंगे फॉर 5/6 शेयर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, 5/6 शेयर के लिए ए और बी की कंबाइंड कैपिटल कितनी है, 60+35,000 कर लेंगे 95,000। तो पूरे 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, हमें इसका रेसिप्रोकल करना होगा, यानी कि 95,000 इंटू 6/5। ठीक है, जैसे ही आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे हमें टोटल फर्म की कैपिटल मिल जाएगी। इसको अगले स्टेप में हम सॉल्व करेंगे। तो सी इसमें से कितने शेयर के बराबर कैपिटल लाएगा, 1/6 शेयर के बराबर। तो हम लिखेंगे 95,000 इंटू 6/5 इंटू 1/6। अब ये कैलकुलेट करना इजी है, यानी कि 95,000 का 1/5 करेंगे तो ये 19,000 कैपिटल सी लेकर आएगा। ये हमने वर्किंग नोट में यहाँ से निकाली और यहाँ पर सी का जहाँ हमने बाय बैंक लिखा है इसको हम लास्ट में पुट कर देंगे अमाउंट, और बैलेंस कैरी डाउन में सी भी इन्वॉल्व है 19,000। ठीक है, तो अब हमारे पास लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल तीनों पार्टनर की हमें मिल गई है। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर टू बैलेंस कैरी डाउन में लिख देना है, 65,000, 35,000 और 19,000 सी का। तो बैलेंस शीट में यही कैपिटल क्लोजिंग जो है तीनों पार्टनर की जाएगी। अब मैं आपको बता रही हूँ बैंक ओवरड्राफ्ट का पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर क्वेश्चन में हमें नहीं बोला कि बैंक अकाउंट बनाओ तो भी हम वर्किंग नोट में चाहे तो बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी है तो हमने उसको कैसे पे किया, इसके लिए हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। हमारा फेवरेबल बैलेंस होता तो डेबिट साइड पर, और अगर अनफेवरेबल यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पर आएगा। ओवरड्राफ्ट का क्रेडिट बैलेंस होता है, पहले से ही लायबिलिटी में अपीयर था ओवरड्राफ्ट, यानी कि नेगेटिव बैलेंस चल रहा था 15,000। हमने नए पार्टनर को एडमिशन दिया जो कि दो दो चीज़ें कैश में यानी कि चेक के थ्रू ला रहा है, जिससे हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। वो कैपिटल लेकर आ रहा है 19,000 और प्रीमियम लेकर आ रहा है वो 10,000। तो यहां पर हम उससे मंगवा लेंगे, सी प्रीमियम कितना लेकर आया है 10,000, इसके लिए भी ब्रिंग्स वर्ड था, और सी कैपिटल कितनी लाया जो अभी हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करके निकाली है वो है 19,000। तो अब हमारे पास ये काफी सारा फेवरेबल बैलेंस हो गया है, 29,000 टोटल हमारे पास बैंक में डेबिट में पड़े हुए हैं पैसे। इसमें से हम ये 15,000 का नेगेटिव बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट इजीली पे कर सकते हैं। ये पे करने के बाद भी हमारे पास 14,000 बचे हुए हैं कैरी डाउन, अगर इसको ब्रॉड डाउन करेंगे तो डेबिट साइड पर आएगा, जो कि फेवरेबल बैलेंस को शो कर रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास बैंक में बैलेंस कितना है 14,000, जिसको हम बैलेंस शीट की एसेट पर ले जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे अब हम इलस्ट्रेशन 76। कुछ नहीं कहा तो जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है वो टोटल कैपिटल में अपने शेयर के बराबर यानी कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा, लेकिन फिर भी सब में क्या वर्डिंग्स है उसको बहुत ध्यान से समझना है। जैसे कि नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन मैं समझा रही हूँ इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि लाइन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, कुछ नहीं कहा तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ही मानना है। बट 76 इलस्ट्रेशन में देखिए क्या पॉइंट है, जैन और गुप्ता पहले से पार्टनर्स थे, रेशियो है 3:2, बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में फिर से हमें ध्यान देना है एसेट में लायबिलिटी में कोई आइटम तो नहीं है जो हमें अपने आप एडजस्ट करनी हो। एक तो रिजर्व है जो जैन और गुप्ता में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट सेम जैसे बताया था अभी वैसा ही। न्यू पार्टनर आ रहा है मिश्रा, वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, और पूरे सम में कहीं मिश्रा कितनी कैपिटल लाया नहीं लिखा हुआ।
अगर कुछ ना होता तो इसमें भी हम यही मानते कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मिश्रा 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता, यानी जैन और गुप्ता, मैं यहाँ लिख रही हूँ जैन और गुप्ता की जितनी भी कैपिटल आएगी उसका टोटल यानी कंबाइंड करना है, ठीक है, और उसमें 1/4 शेयर मिश्रा को लेकर आना है। तो अब हम इसकी एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट मैं फिर से अभी समझाती हूँ। यहां पर रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट में जो न्यू पॉइंट है वो है बिल्डिंग इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। बिल्डिंग 25% से उसकी वैल्यू कम हो गई है तो यहां पर बढ़ाने की नीड है, इसलिए आप लिखेंगे बाय बिल्डिंग, यानी कि बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है वो 75% वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 75% वाली का 100% आपको निकालना होगा कि 75,000 इंटू 100 बाय 75 कर दें, ठीक है, क्योंकि 25% से ये कम थी तो आपको वैल्यू बढ़ानी है जो कि हमारा गेन हो जाएगा। यानी असल में बिल्डिंग की वैल्यू 1 लाख होनी चाहिए थी पर हमने ली हुई है 75,000 तो यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाएगी 25,000। सिमिलरली स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%, स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा लग गई है, यानी बैलेंस शीट में जो स्टॉक है वो 110% को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू ज़्यादा लग गई है तो स्टॉक को कम करना होगा। 44,000 वैल्यू गिवन है बैलेंस शीट में, दिस इज द बुक वैल्यू, पर ये 100% ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये 110% है, तो इसका 100% क्या निकलेगा, ठीक है, 4,000 आएगा जितने से हमको स्टॉक को रिड्यूस करना है और बैलेंस शीट में स्टॉक 100% यानी 40,000 की वैल्यू पर जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले से ही थे ओल्ड बैलेंस शीट में, डेटर में से डिडक्ट करके दिए हुए 300 और अब लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि इसको रेज करो या इंक्रीज करो 2 रुपीज 1,000, यानी 1,000 रुपए तक लाना है। बैलेंस शीट में कितना आएगा 1,000, ऑलरेडी थे 300, तो प्रोविजन हमारा कितने से इंक्रीज हो रहा है, दोनों का डिफरेंस 700, और प्रोविजन का इंक्रीज होना हमारा क्या होता है, लॉस होता है। तो ये सारे बच्चों हमने रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट कर लिए हैं। एक और है इसमें डी पॉइंट, 14,800 के लिए प्रोविजन बनाना है फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, ठीक है, ये भी हमें देने पड़ सकते हैं लीगल चार्जेस 14,800। तो इन सबसे रिवोल्यूशन का प्रॉफिट हम निकाल लेंगे, 5,500 आएगा जो कि जैन और गुप्ता की ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, 3:2। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में आपको सारी चीजें बनानी है जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पर करके दिखा रही हूँ, प्लीज इस पॉइंट को समझिए। हमारी फॉर्म में 3 पार्टनर्स हैं, एक है जैन, एक है गुप्ता और तीसरा जो न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रहा है उसका नाम है मिश्रा। यहाँ पर भी जैन, गुप्ता और मिश्रा, ठीक है, नॉर्मल चीजें आप सब ले ही लेंगे। जैसे क्या क्या लेना है मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जैन और गुप्ता की कैपिटल आप यहाँ ट्रांसफर करेंगे 70,000-60,000 ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद बैलेंस शीट में रिजर्व आया था, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनकी रेशो में, रिवोल्यूशन का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और न्यू पार्टनर मिश्रा जो है ई पॉइंट में मेंशन है कि वो 10,000 प्रीमियम का ला रहा है, ब्रॉड ब्रिंग्स पेड या पेज वर्ड लिखा हुआ है, तो ये प्रीमियम है जिसको सेक्रीफाइजिंग रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट भी कर देंगे। इफ नथिंग इज मेंशन इन द क्वेश्चन देन ओल्ड रेशो विल बी द सेक्रीफाइजिंग रेशो, सो 3:2 में प्रीमियम का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब हम नॉर्मल बैलेंसेस निकाल लेंगे, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक्सटेंशन वाला पार्ट शो कर रही हूँ। जब आपने ओपनिंग बैलेंस, प्रीमियम फॉर गुडविल, रिजर्व फंड और रिवोल्यूशन सब कुछ यहाँ पर डाल दिया तो आपका क्लोजिंग बैलेंस सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जैन का आएगा 88,300, ठीक है, और बच्चों गुप्ता का आएगा 72,200 और मिश्रा उसकी कैपिटल ही तो हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये कैरी डाउन किया आमने सामने दोनों साइड पर टोटल टैली कर दिया, सारी आइटम्स आप पुट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब जो कैरी डाउन किया है उसको रिवर्स साइड पर ब्रॉड डाउन करेंगे, 88,300 जैन का बैलेंस है और 72,200 गुप्ता का बैलेंस है। नया पार्टनर कैपिटल कैसे लाएगा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है जो जैन और गुप्ता की कैपिटल का टोटल होगा कंबाइंड,
पूरी फर्म की कैपिटल का टोटल नहीं, ठीक है, सिर्फ इन दोनों पार्टनर की कैपिटल का, इन दोनों का टोटल करना है, कोई रेसिप्रोकल नहीं करना, सीधे उसमें 1/4 शेयर करना है, क्योंकि बैलेंस शीट में बैंक ओवरड्राफ्ट भी था, इसलिए उसको चुकाने के लिए जो भी हमें न्यू पेमेंट मंगवानी है वो बैंक से ही मंगवानी है, कैश बैंक दोनों है तो भी आपको बैंक ही लिखना है। तो मिश्रा कितने शेयर के लिए आया था? मिश्रा ने फर्म को ज्वाइन किया था 1/4 शेयर के लिए। तो अगर मिश्रा का शेयर टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/4 हम माइनस कर दें, ये क्या है मिश्रा का शेयर, तो जैन और गुप्ता का शेयर कितना है? 3/4 शेयर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टोटल कैपिटल बच्चों नहीं चाहिए, इसलिए जैन और गुप्ता की जो कैपिटल का टोटल आएगा इसमें सीधे ही 1/4 कर देंगे, तो हम लिखेंगे कंबाइंड कैपिटल ऑफ जैन एंड गुप्ता। 88,300 जैन की कैपिटल है और गुप्ता की कैपिटल है 72,200, इन दोनों का टोटल करेंगे 1,60,500 आएगा। इसमें सीधे सीधे 1/4 शेयर, जितने शेयर के लिए मिश्रा एडमिट हुआ है वो हम कर देंगे, तो 40125 इतनी कैपिटल मिश्रा लाएगा, जो यहाँ पर हमने बाय बैंक लिखा इसके सामने लिखकर सभी के बैलेंसेस यहाँ पर कैरी डाउन कर दिए जाएंगे और ये बैलेंसेस बैलेंस शीट में जाएंगे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर दिया जाएगा, वो अब लायबिलिटी में नहीं आएगा। पहले से ही हमारे पास कैश का जो बैलेंस था 14,800, उसका कुछ नहीं करना बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए, वो एज इट इज अनटच्ड पड़ा रहेगा। तो हमने नए पार्टनर मिश्रा से दो दो चीजें मंगवाई हैं, एक तो प्रीमियम मंगवाया 10,000 और 40125, जो इन दोनों की कैपिटल के टोटल के बेस पर हमको निकालना है, ये कैपिटल मंगवाई। इस इनफ बैलेंस में से ओवरड्राफ्ट 17,000 इजीली पे किया जा सकता है, बचा हुआ बैंक बैलेंस बैलेंस शीट में आएगा। नेक्स्ट हम पर आएंगे इलस्ट्रेशन 77। कोई भी सम नहीं छोड़ना बच्चों, क्योंकि ये 8 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टेप्स को फॉलो करना है। जहां आपसे जर्नल एंट्रीज पूछी है तो जर्नल एंट्री भी करनी है, बाकी नेसेसरी लेजर अकाउंट में रिवोल्यूशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैंक अकाउंट, अगर ज्यादा एडजस्टमेंट है तो वो भी बनाना है। तो इलस्ट्रेशन 77 अब हम कर रहे हैं, इसमें देखते हैं क्या न्यू पॉइंट है। ए और बी पार्टनर है, रेशो 3:1 है, सी 1/4 शेयर के लिए आया, एसेट साइड पर पहले से ही गुडविल है, तो इस पॉइंट पर ध्यान देंगे कि गुडविल कहाँ जाती है, गुडविल जो अपीयर्ड वाली है, ओल्ड वाली गुडविल जो बैलेंस शीट में पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, उसको ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो हमारी सब में 3 पार्टनर है, ए है, बी है, सी है, सिमिलरली यहाँ पर भी, तो गुडविल कहाँ आती है, इसको हमने यहाँ पर अमोर्टाइज या राइट ऑफ करना होता है, तो गुडविल राइट ऑफ कर देंगे बच्चों। लायबिलिटी में एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है, जिसके बारे में पहले भी आपने सीखा हुआ, इसको बिल्कुल भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये लायबिलिटी है क्रेडिटर्स की तरह। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पहले से ही था और नीचे लायबिलिटी 2000 की अराइज हुई है, फिर भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इनफ है, बच रहा है, तो ये ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा बचा हुआ बैलेंस। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 4100 है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू 7000 से डिक्रीज होके 4500 पर आ गई है अब, तो 2500 का जो लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट का डिक्रीज होने पर, उसको रिजर्व में से चार्ज आसानी से किया जा सकता है, उसके बाद भी हमारा ये फंड बचेगा जिसको हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और एक और पॉइंट है बैड डेट्स, प्रोविजन पहले से ही हमारे पास था 2000 का, बैड डेट्स अराइज हुए 3000, जिसकी एंट्री होती है बैड डेट्स डेबिट टू डेटर, ठीक है। अब जब बैड डेट्स डेबिट हो गए हैं तो हमारे पास ये जो प्रोविजन है, क्या ये इस बैड डेट्स के लॉस को कवर करने के लिए पूरा हो रहा है? नो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है 2000, जबकि बैड डेट्स ज्यादा अराइज हुए हैं, ठीक है। प्रोविजन बराबर भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, यहाँ प्रोविजन है कम और बैड डेट्स का लॉस हुआ है ज्यादा 3000 का, तो 3000 में से 2000 तो प्रोविजन में से ही यूज कर लिया जाएगा, कवर कर लिया जाएगा, रिमेनिंग 1000 का बर्डन ऑन रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन में लॉस हो जाएगा 1000 का। इसके बाद आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है, मेन फिर से वही चीज कि हमने सी पार्टनर की कैपिटल प्रोपोर्शनेट निकालनी है, उससे पहले हमने यहाँ ओपनिंग बैलेंस लिया, रिजर्व फंड लिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लिया,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व लिया, ठीक है, प्रीमियम जो भी है वो लिया, इधर गुडविल रिटर्न ऑफ, और एक रिवोल्यूशन जब आप बनाती है तो उससे भी लॉस आ रहा है. तो ये सारा करने के बाद नॉर्मल ए और बी की कैपिटल कोई पूछे कितनी आ रही है, तो हम कहेंगे ए की कैपिटल तो है 39450 और बी की कैपिटल है 30150. दिस इज अवर बेस, ठीक है. ओल्ड पार्टनर की इस एडजस्टेड कैपिटल को बेस मानना है और इसके बेस पर सी पार्टनर का प्रोपोर्शनेट शेयर निकालना है. तो हमें चेक करना है कि सी फर्म में कितने शेयर के लिए ज्वाइन कर रहा है. तो सी 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. अब लेट टोटल प्रॉफिट 1, सी का शेयर है 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट 3/4 है. ये किस किस का था, ए का और बी का था, ठीक है. 1 में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस करना है तो ओल्ड पार्टनर का शेयर मिल जाएगा. तो अब हम लिखेंगे 3/4 शेयर के लिए कंबाइंड कैपिटल या एडजस्टेड कैपिटल है ए की 39450 प्लस बी की 30150, ठीक है. अब हमने इसका रेसिप्रोकल करना है. ये हमारा फर्स्ट स्टेप है. सेकंड स्टेप पे आपने फॉर वन शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म फाइंड आउट कर ली. अगर 3/4 शेयर के लिए कंबाइंड कैपिटल ये है जो कि इसका टोटल करके आ जाएगा, तो पूरे वन शेयर के लिए कैपिटल कितनी होगी, 69600 जो कि इसका टोटल है, इंटू 4/3. अब इस टोटल कैपिटल में अपने शेयर के इक्विवेलेंट पार्ट सी को लेकर आना है. थर्ड स्टेप पे हम निकालेंगे सी इज कैपिटल 69600 इंटू 4/3 जो कि टोटल कैपिटल है, इसमें 1/4. तो यहाँ पर ये इजीली हो जाएगी कैलकुलेशन. तो मेनली कुछ नहीं कहा तो हमेशा हमेशा न्यू पार्टनर की कैपिटल ओल्ड पार्टनर के इस लास्ट में जो एडजस्टेड बैलेंसेस आते हैं इसके बेस पर लेकर आएगा. 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं. सबसे पहले ओल्ड पार्टनर के शेयर के बेस पर कंबाइंड कैपिटल, नेक्स्ट फॉर वन शेयर कितनी कैपिटल हो जाएगी टोटल, रेसिप्रोकल यहाँ पर करना है सेकेंड स्टेप में, और थर्ड स्टेप में सी के शेयर के साथ टोटल कैपिटल को इंटू करना है. अब हम नेक्स्ट सम पर आएंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 78. तो देखते हैं हम इसमें क्या न्यू पॉइंट है. इलस्ट्रेशन 78 में अभीर और दिव्या पार्टनर्स हैं. ऑलरेडी इनकी रेशियो गिवन है 3:2. एसेट लायबिलिटी पे क्या क्या चीजें हैं बहुत ध्यान देना है. एसेट में इन्वेस्टमेंट 5 लाख की है लेकिन मार्केट प्राइस आज रिड्यूस होकर 4,40,000 हो गया, तो 60,000 से इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है. इसके लिए हमारे पास फंड में इनफ बैलेंस है 1 लाख. तो 1 लाख में से 60,000 का लॉस कवर करने के बाद रिमेनिंग 40,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. एसेट के बाद लायबिलिटी साइड पर आएंगे. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में ही रहेगा, इसका कभी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना. इन्वेस्टमेंट का पॉइंट हो गया. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा. विभोर न्यू पार्टनर आ रहा है, प्रीमियम लेकर आ रहा है. ओल्ड रेशियो हमारे पास है. क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? नो. तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइजिंग रेशियो मानी जाएगी. 3:1 में हम प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. उसके बाद जो पॉइंट है हमारे बी सी और डी, इनको ध्यान से समझिए क्योंकि ये तीनों रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट है. तो रिवोल्यूशन अकाउंट में बी सी और डी पॉइंट कैसे कैसे डालेंगे आप. स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड, स्टॉक पहले से ही ज्यादा लग गई है वैल्यू, तो आपको यहाँ पर कम करना है, ठीक है, जो कि हमारा लॉस हो जाएगा. एसेट का कम होना हमारा लॉस है. सी पॉइंट को समझिए. एक डेटर था whose dues of rupees 5,000 were written off as bad debts, paid, please underline this word, paid, rupees 4,000 in full settlement. कोई हमारे पुराने डेटर थे जो कि बैड प्रूव हो गए थे 5,000 के, जिसके आने की हमें कोई उम्मीद नहीं थी, हम पहले से ही P&L में उसको लॉस मान चुके थे. आज एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन वो डेटर पैसे देने के लिए आ गया, लेकिन 5,000 में से 4,000 दे रहा है. तो 1,000 को नहीं देखना कि इतना नहीं दे रहा, ये 4,000 भी आने की हमें कोई उम्मीद नहीं थी. दिस इज अवर अनएक्सपेक्टेड इनकम और उसने पे ही कर दिए हैं, ठीक है. अगर पेएबल होता तो आपने बाय डेटर लिखना है, ठीक है, और अगर पे ही कर दिए तो आपने बाय बैंक लिखना है. वेरी इंपॉर्टेंट, बैंक का बैलेंस 4,000 से बढ़ गया. ये हमारा डूबा हुआ पैसा जिसके आने की कोई उम्मीद नहीं थी वो रिकवर हो गए हैं, ठीक है. तो बाय बैड डेट्स रिकवर. डी पॉइंट में 2 मंथ्स की सैलरी आउटस्टैंडिंग है. पर मंथ सैलरी है 6,000, तो 2 मंथ्स की हो जाएगी 6,000 × 2, 12 मंथ्स आउटस्टैंडिंग सैलरी. लायबिलिटी का इंक्रीज होना इज अवर लॉस. तो ये हमारे जो पॉइंट्स है ये रिवोल्यूशन में आएंगे, लास्ट में लॉस आ जाएगा जिसको हम ओल्ड पार्टनर्स में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे.
उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में फिर से कैपिटल एडजस्टमेंट आएगी। एक बार फिर देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में आपके 3 पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स के नेम है अभीर, दिव्या और नया पार्टनर जो आया वो विभोर आया है, अभीर, दिव्या और विभोर। तो फिर से आप नॉर्मल सारी चीजें, बच्चों अब तक हमने इतने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सीखे, आपको आ गया होगा कि हमको ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर लेना है अभीर और दिव्या का 6 लाख 4 लाख। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी ही करनी थी वो है जनरल रिजर्व, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व का बचा हुआ बैलेंस भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और नया पार्टनर प्रीमियम भी ला रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि इन दोनों ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 60,000 और 20,000, क्योंकि नया पार्टनर कितना प्रीमियम लेकर आ रहा है 80,000। ठीक है, तो हमने 80,000 को 3:1 की रेशियो सेक्रीफाइसिंग मानते हुए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब नॉर्मल हमारे पास क्या बैलेंसेस आ रहे हैं सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अभीर एंड दिव्या, इसका है 7,59,000 और दिव्या का है 4,53,000। फिर से इन दोनों के बेस पर हम विभोर की कैपिटल फाइंड आउट करेंगे। तो हमें देखना है कि विभोर कितने शेयर के लिए आया था, 1/5 शेयर के लिए। तो अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेप्स फॉलो करने ही करने हैं, तो यहाँ पर आप पहले 2 लाइंस लगा के टोटल कर देना, उसके बाद एक्सटेंशन में आपको ये कैरी डाउन बैलेंस ब्रॉड डाउन करना है। ठीक है, और बाय बैंक करते हुए हम देखेंगे कि विभोर कितनी कैपिटल लाएगा, विभोर कितने शेयर के लिए एडमिशन ले रहा है फर्म में, 1/5 शेयर के लिए। टोटल प्रॉफिट 1 में से 1/5 विभोर का है, तो बाकियों का कितना है 4/5। तो वैसे लिखेंगे फॉर 4/5 शेयर कंबाइंड कैपिटल ऑफ ये जो दो ओल्ड पार्टनर्स हैं अभीर और दिव्या, इनकी कैपिटल का आप यहाँ टोटल कर देंगे 7,59,000 प्लस 4,53,000, ये आएगा 12,12,000। तो इसमें रेसिप्रोकल करेंगे अब हम, यहाँ 1 शेयर के लिए टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हुई, इसका 5/4, और इसमें फिर विभोर अपने 1/5 शेयर के लिए इक्विवेलेंट पार्ट लेकर आएगा। ठीक है, तो विभोर से जो हम बैंक के थ्रू पैसा मंगवा रहे हैं वो है 3,03,000। तो यहाँ पर बाय बैंक में विभोर के कॉलम में विभोर की कैपिटल 3,03,000 हम मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 79। में भी देखते हैं बच्चों हम क्या डिफरेंट पॉइंट है। सबसे पहली लाइन में ही एक बहुत डिफरेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। ए बी पार्टनर्स है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे कैसे होता है। देखिए ए और बी पार्टनर है, ए का शेयर है 1/2 और बी का शेयर है 1/3। ठीक है, और 1/6 हम रिजर्व में लेकर जाते हैं, ये 1/6 जितना भी प्रॉफिट है 1 मान लीजिए, उसमें से 1/6 रिजर्व में सेपरेट करना है, एमरजेंसी के लिए हम बचाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, यानी 1 में से 1/6 माइनस करके बाकी का 5/6 ही कह लो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इस रिजर्व को आपने सेपरेट रखना है हर जगह पर, पार्टनर की जो आपने रेशो लेनी है। आप इस पूरे का पहले एलसीएम भी कर सकते हैं, 2, 3 और 6 का एलसीएम आएगा 6। ठीक है, ये 3:2:1। तो अगर किसी भी जगह पर आपने ए का शेयर 3/6 कर लिया तो रॉन्ग है। ठीक है, आपने ये वाला पोर्शन अलग करना है, 1/6 रिजर्व में चला जाता है, एलसीएम लिया 2, 3 और 6 का, 6 एलसीएम आया। ठीक है, इनका बेस सेम किया हमने, 3:2:1 ये रेशियो है, पर रिजर्व कोई पार्टनर नहीं है, पार्टनर की आपस की रेशियो क्या है 3:2। तो हर जगह पे आपने 3/5:2/5 करना है, कहीं पर भी 3:6:2:6 कर दिया तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। कोई भी जितनी भी चीजें हैं हमने 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट करनी है। तो एसेट साइड पर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट में पार्टनर यहाँ पर इस लॉस को सफर करेंगे, ऐसे ही कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर रिजर्व आ जाएगा। तो अब बाकी की चीजें हम देखते हैं कि रिवोल्यूशन अकाउंट में क्या क्या आएगा। मैं आपके सामने यहाँ बना रही हूँ रिवोल्यूशन अकाउंट, यहाँ हमारे लॉसेस, यहाँ हमारे गेन आएंगे। फर्स्ट पॉइंट है स्टॉक अंडरवैल्यूड हो गया 10% से। ठीक है, तो ये जो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू है 1,80,000, ये 90% वैल्यू है, तो हमें स्टॉक को 100% वैल्यू पर शो करना है। अंडरवैल्यूड था तो उसको ओवर करेंगे, ओवर होता तो उसको कम करते।
सेकेंड पॉइंट है डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी पर ओमिटेड हो गया था, हमसे रह गया था, तो हमने प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करना है, तो हम यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 20,000 ले लेंगे। थर्ड पॉइंट है क्रेडिटर्स, जो कि ऊपर गिवन है पहले से ही बैलेंस शीट में 1,60,000, इसके अंदर एक कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑलरेडी इंक्लूड है बच्चों, अंडरलाइन दिस वर्ड इंक्लूड, पहले से ही 50,000 उसमें शामिल थे जिसके हमें पे करने थे, लेकिन जब एक्चुअल में पे करने का टाइम आया तो कोर्ट ने कहा कि 43,000 ही देना है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ कंटिजेंट लायबिलिटी की, जो कि 50,000 हमने ऑलरेडी बुक्स में शो कर रखी है, बट पे कितना करना है 43, तो लायबिलिटी का कम हो जाना इज अवर गेन। क्रेडिटर 50 नहीं 43 ही देना पड़ेगा, तो 7,000 से क्रेडिटर हमारे बच गए या कह लो रिड्यूस हो गए, तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया। फोर्थ पॉइंट डेटर के रिगार्डिंग है, इसको भी ध्यान से समझिए, डिफरेंट है। 15,000 ड्यू फ्रॉम राम, ये तो पूरी ही फुल एक्सटेंट तक बैड प्रूव हो गए हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई प्रोविजन भी नहीं था जिसमें से हम ये बैड डेट्स का लॉस चार्ज करें, ठीक है, प्रोविजन नहीं है, तो सारा बर्डन ऑन रिवॉल्यूशन आता है। तो रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड पर आप लिखेंगे टू बैड डेट्स, या टू डेटर लिखकर आप बैड डेट्स लिख सकते हैं। एक राम नाम का डेटर है जिससे 15,000 रुपए लेने थे और ये पूरा का पूरा ही बैड प्रूव हो चुका है, यानी कि पैसा डूब गया हमारा। और हमने शाम से भी लेने हैं, कितने 20,000 लेने हैं, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया है और एक्सपेक्टेड है कि वो 40% देगा, तो जब एक्सपेक्टेड है तो यानी आपको यहाँ पर डाउट है कि 40% ही मिल पाएगा, तो ये कन्फर्म लॉस था, बैड डेट्स लिखना है, और जहां पर वर्ड पाया जाए एक्सपेक्टेड तो उसके लिए आपको उतने अमाउंट तक प्रोविजन बनाना है, ठीक है, तो शाम से मिल भी सकता है या नहीं डाउटफुल है, इसलिए हम प्रोविजन बनाएंगे 40% 20,000 का, यानी कि 8,000। फिफ्थ पॉइंट है गुडविल वैल्यूड करके दी हुई है 60,000, नए पार्टनर को पूरी वैल्यूड गुडविल नहीं लेकर आनी होती, वैल्यूड गुडविल में से अपना शेयर लेकर आना होता है, और सी का शेयर है 1/5 के लिए वो एडमिट हुआ, और क्लियरली मेंशन है कि वो अनेबल है, अगर नहीं भी लिखा होता कि ला रहा है या नहीं तो हमेशा ये मानना है कि वो अनेबल है। तो बच्चों ये पॉइंट भी आपको आता है कि जब ला रहा होता है तो हम उसको बोलते हैं प्रीमियम, और जब नहीं ला रहा अनेबल है तो हमने गुडविल की एंट्री क्या करनी होती है, गुडविल की एंट्री में हमेशा हमेशा अपने करंट अकाउंट ही डेबिट करना है और ओल्ड पार्टनर्स ए और बी की कैपिटल को क्रेडिट करना है। इन विच रेशो, सेक्रीफाइजिंग रेशो, ठीक है, तो सेक्रीफाइजिंग रेशो क्या थी, जो ओल्ड रेशो है, जिस रेशो में आपने ओल्ड चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ये हमारी ओल्ड रेशो है और कुछ न्यू के बारे में इंफॉर्मेशन भी नहीं है, तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइजिंग मानी जाएगी। या हम चेक कर लें एक बार, न्यू रेशो तो नहीं दे रखी है क्वेश्चन में, नहीं, तो ओल्ड रेशो जो है बच्चों यही सेक्रीफाइजिंग रेशो है, 3:2 में जो जितना नए पार्टनर को गुडविल का शेयर लाना था, ठीक है, उतना वो हम उसके करंट अकाउंट में से निकाल लेंगे। बच्चों एक पॉइंट और भी है यहाँ पर कि सी 1/5 शेयर के लिए आ रहा है और वो इक्वली अक्वायर कर रहा है ए और बी से अपना शेयर, ये इक्वली को अंडरलाइन कीजिए प्लीज। अगर कुछ नहीं कहा होता तो ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइजिंग रेशो होती, या न्यू दी होती तो हम ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस फाइंड आउट कर लेते, लेकिन यहाँ पर सीधे सीधे सेक्रीफाइस की ही इंफॉर्मेशन दे दी कि सी ने अपना 1/5 शेयर दोनों पार्टनर ए और बी से इक्वली अक्वायर किया, ठीक है, आधा आधा, यानी 1/5 का हाफ 1/10 ये दे रहा है, सिमिलरली इतना ही ये दे रहा है, तो 1:1 इज द सेक्रीफाइजिंग रेशो जिसमें हम गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो बैलेंस शीट में आपको प्रीमियम के लिए बैंक में पैसा प्लस नहीं करना, लास्ट में एसेट साइड पे सीज करंट अकाउंट लिखना मत भूलना। नेक्स्ट हम करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 80, आपको ध्यान रखना है जिस भी समय बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाए तो कैपिटल प्रीमियम बैंक के थ्रू मंगवा के ओवरड्राफ्ट को पे करना है। अब 80 सम में ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, लायबिलिटी साइड पे देखिए बैंक लोन है, ठीक है, ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं कहा तो अपने आप पे करना है, बैंक ओवरड्राफ्ट और बैंक लोन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये शॉर्ट टर्म होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कुछ नहीं कहा तो अपने आप पे कर देना होता है अगर इनफ बैंक बैलेंस है तो, लेकिन बैंक लोन लॉन्ग टर्म के लिए होगा, हमें नहीं पता ये कब चुकाना है, तो ये लायबिलिटी में ही एज इट इज रहेगा, ठीक है, ओवरड्राफ्ट को अपने आप ट्रीट करो, बैंक लोन को नहीं। तो यहाँ पर लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व है जो ए और बी की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा।
अब सी नया पार्टनर आ रहा है 25% शेयर के लिए. 25% का मतलब वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है. कैपिटल कितनी ला रहा है नहीं गिवन है, प्रोपोर्शनेट ही हम लास्ट में अभी कैपिटल अकाउंट बना के निकालेंगे, ठीक है. और प्रीमियम के लिए उसको 14,000 लाने थे, आउट ऑफ हिज शेयर वो 8,000 ही लेकर आ पा रहा है. यानी कि ये पार्शियल गुडविल का केस है, पार्ट में ला रहा है. 14,000 प्रीमियम उसका बनता है, इसमें से 8,000 वो पे कर रहा है. 14,000 उसका गुडविल का शेयर बनता है कह लो, इतनी टोटल गुडविल है. इसमें से 8,000 प्रीमियम के जितना ला रहा है उसको हम प्रीमियम का नाम देंगे, और 6,000 जो नहीं ला रहा वो हम छोड़ नहीं देंगे. उतने से हम टेम्परेरली सी का करंट अकाउंट बच्चों डेबिट करेंगे. तो प्रीमियम फॉर गुडविल और सीज करंट डेबिट दोनों मिला के 14,000 ही अल्टीमेटली ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा. इन विच रेशो? सेक्रीफाइजिंग रेशो. तो यहाँ पर ओल्ड रेशो भी है, सेक्रीफाइजिंग रेशो हम निकाल लेंगे बिकॉज न्यू भी है. ओल्ड एंड न्यू बोथ आर गिवन. ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइजिंग रेशो 9:1 में इस प्रीमियम को और इस करंट अकाउंट को दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट करते हुए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पोस्ट करना है. और क्योंकि बैलेंस शीट में कैश वर्ड है, ठीक है, ना बैंक बैलेंस एसेट साइड पर था ना ही ओवरड्राफ्ट है, तो अब कैश वर्ड है इसलिए हर नई चीज जो भी हम मंगवा रहे हैं, चाहे हम प्रीमियम मंगवाएं या फिर हम कैपिटल मंगवाएं, वहां पर आपको कैश वर्ड ही लिखना है. तो अब हम सीखते हैं कि सी कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम फटाफट बना लेते हैं. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तीन पार्टनर है हमारे, ए बी और सी. ए है, बी है और सी है. ए बी और सी, इन सबके ओपनिंग बैलेंसेस ए और बी के पहले से ही गिवन है. ओपनिंग बैलेंस 70,000-60,000 हम लेंगे. जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ओल्ड रेशो है 3:2. रिवोल्यूशन का प्रॉफिट आएगा, ठीक है, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. और अभी मैंने आपको बताया था कि जितना वो ला रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशो? सेक्रीफाइजिंग रेशो 9:1 में. और जितना वो नहीं ला रहा उसके लिए हम सी का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे. ये पैसा कैश में बढ़ाना है, ये पैसा हमने बैलेंस शीट में कैश में नहीं बढ़ाना, एसेट साइड पे ऐसे ही लिखना है, ठीक है. और एक और पॉइंट है बच्चों, थर्ड पॉइंट मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 40,000. हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट वर टू बी टेकन ओवर बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड रिमेनिंग वैल्यूड एट ₹26,000. ये इन्वेस्टमेंट है 40,000, मैं यहाँ कर देती हूँ. इन्वेस्टमेंट 40,000 जो थी इसका हाफ ऑफ करना है. हाफ हुआ 20,000 और एक रिमेनिंग हाफ हुआ 20,000. ये जो फर्स्ट हाफ है इसको तो ए और बी ने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया 3:2 में. अगर पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करते हैं तो उनसे कैश नहीं मांगेंगे, हम सीधे उनकी कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है. तो 20,000 को ये जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. यानी 12,000 हमने ए से और 8,000 हमने बी से लेने थे, तो हम कैश ना लेके सीधे उनकी कैपिटल कर देंगे रिड्यूस या डेबिट, ठीक है. अब ये जो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 20,000, अगर कुछ नहीं कहा होता तो ये हम एसेट में दिखाते, लेकिन इसके बारे में पॉइंट है कि इसकी वैल्यू अब बढ़कर मार्केट में हो गई है 26,000. वैल्यू बढ़ भी सकती है, वैल्यू कम भी हो सकती है, कुछ नहीं कहा तो हम यही लेते. तो इंक्रीज हो रही है 6,000 जो कि हमारा रिवोल्यूशन में गेन बनकर आएगा, और एक फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है तो ये हमारा लॉस बन के आएगा. तो रिवोल्यूशन इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा इजी है. अब तक हमने इतनी एडजस्टमेंट की है बच्चों कि रिवोल्यूशन आपका जो है वो एक ही बारी में ठीक होना चाहिए, बिकॉज उसके बेस पर ही हमारा बाकी सारा सम होता है. तो मैं आपको बता रही थी इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट कि सी कितनी कैपिटल लाएगा. सी का शेयर है 25% और यू कैन से 1/4. तो फिर से हमने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस निकालना है, जिसमें हमने सब देने वाली या ली जाने वाली चीजें शो कर दी हैं. ये ए का बैलेंस आएगा 84,400, ये बी का बैलेंस आएगा 62,600. पहले हमने इसको क्लोज करना है आमने सामने टोटल टैली करते हुए, ठीक है. फिर कैरी डाउन बैलेंस को रिवर्स साइड पे ब्रॉड डाउन करना है. तो जो नीचे हम दो लाइंस दिखाते हैं इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है. पहले टैली कर लेना है. अब ये जो कैरी डाउन है इसको हम ब्रॉड डाउन करेंगे. ए का बैलेंस है 84,400 और बी का बैलेंस है 62,600.
तो फिर से 25% का मतलब 1/4, 1 में से 1/4 सी का शेयर माइनस कर देंगे, तो कोई पूछे ए और बी का शेयर है कितना, तो हम कहेंगे 3/4. 3/4 शेयर के लिए इन दोनों की कंबाइन कैपिटल, इनका बच्चों टोटल करेंगे तो आएगा 1,47,000. ठीक है, 3/4 शेयर के लिए कंबाइन कैपिटल है इन दोनों की एडजस्टेड वाली, ये दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप फिर से समझिए, अब हमको निकालना है फॉर वन शेयर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म क्या हुई, रेसिप्रोकल करेंगे 1,47,000 इंटू 4/3. ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे कि न्यू पार्टनर इस टोटल में कितना प्रपोर्शन लाएगा. कुछ नहीं कहा तो हमेशा न्यू पार्टनर टोटल कैपिटल के बेस पर ही अपनी कैपिटल लेकर आएगा, तो 1,47,000 इंटू 4/3 इंटू 1/3 इंटू 1/4. ठीक है, तो यहाँ से इसका 1/3 हम निकाल लेंगे, तो ये कैपिटल जो इंट्रोड्यूस करेगा वो आएगा 49,000 बैलेंस शीट में. अब यहाँ कैश पहले से ही गिवन है एसेट में, तो आपको कैश के थ्रू ही जो भी पैसा है वो मंगवाना है. अब हम लास्ट सम कर रहे हैं आज का, इलस्ट्रेशन नंबर 81. तो बच्चों ध्यान से समझिए हर सम में, क्योंकि कोई न्यू पॉइंट होता है. ये रेमंड वाला क्वेश्चन है, आपको पहले से बैलेंस शीट किसकी गिवन है, रेमंड की गिवन है. एक अकेला पर्सन, तो यानी वो कौन था, सोल प्रोप्राइटर था. ठीक है, पहले एक अकेला था रेमंड, सोल प्रोप्राइटर था, अकेले ही बिजनेस कर रहा था, और उसकी ये सिचुएशन है, पोजीशन है, बैलेंस शीट गिवन है, और लाइबिलिटी साइड पे ओवरड्राफ्ट नजर आ रहा है, यानी उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तभी उसने ओवरड्राफ्ट लिया हुआ है 60,000, जिसके बारे में कहा नहीं जाएगा, अपने आप उसको पे करना है. अब रेमंड अपने साथ एक न्यू पार्टनर को एडमिशन दे रहा है जिसका नाम है साइमन, और उनकी रेशो हो गई है 2:1. नया पार्टनर आएगा तो दो चीजें तो उसको लानी ही लानी है, गुडविल भी और कैपिटल भी. ठीक है, तो अब क्या क्या पॉइंट है रिवोल्यूशन, पहले आप समझ लीजिए. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो लिया जाएगा वो 90% वैल्यू पर लिया जाएगा, यानी 10% से आप रिड्यूस कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज भी मांगी है. तो जब भी आपको लॉस होगा तो रिवोल्यूशन डेबिट होगा. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बैलेंस शीट में 90% वैल्यू पर जाएगा, तो आपको 10% से इसकी वैल्यू को डिक्रीज करना है. उसके बाद बी पॉइंट है बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी को अप्रिशिएट करना है, तो हम नेक्स्ट एंट्री में बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों को बच्चों अप्रिशिएट कर लेंगे, और ये हमारा गेन हो जाएगा. ठीक है, बिल्डिंग को इंक्रीज करना है 10% से, और प्लांट एंड मशीनरी को भी हमने इंक्रीज करना है. सी पॉइंट पे आते हैं, ₹4,000 ऑफ सन्डी डेटर्स आर बैड एंड देयर वॉज डाउटफुल अमाउंट ऑफ ₹1,500. पहले से ही कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है, तो अब ये दोनों ही हमारे लॉस हो रहे हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट में ही आएंगे. टू डेटर्स, ब्रैकेट में मैं बैड डेट्स लिख रही हूँ, इतना पैसा डूब गया और इतना और डूब सकता है. ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो डूब गया वो भी हमारा कन्फर्म लॉस है, और जिसकी पॉसिबिलिटी है प्रोविजन बनाना, दिस इज ऑल्सो अवर लॉस. डी पॉइंट समझिए, अ क्रेडिटर ऑफ ₹3,000 इज नॉट ट्रेसेबल, अंडरलाइन कर लीजिए प्लीज ट्रेसेबल वर्ड को, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स एंड द अमाउंट इज टू बी रिटर्न ऑफ. क्रेडिटर्स थे जो कि काफी सालों से पता ही नहीं चल रहे कि देना किसको है अमाउंट, उनका कोई अता पता ही नहीं है, तो 3000 के क्रेडिटर्स आपके बच गए कह लो, अब पे नहीं करने पड़ेंगे, तो हमें गेन हो जाएगा. तो इसी एंट्री में जहां हम एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं वही लायबिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं, क्रेडिटर डेबिट टू रिवोल्यूशन. आगे बच्चों इसका जो भी डिफरेंस होगा, इतने से रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट और इतने से रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड पर आएगा 33,000 और डेबिट साइड पर जो लॉस हुआ है वो 13,500 आएगा. तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस कर लेंगे, नेट हमारा क्रेडिट बढ़ा है तो इसलिए प्रॉफिट हो रहा है. तो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट सारा किसको जाता है, वैसे तो पार्टनर्स को जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को, लेकिन यहाँ पर पहले से पार्टनर्स नहीं थे, एक अकेला ही पर्सन है जो कि सोल प्रोप्राइटर कहलाएगा, तो सारा प्रॉफिट किसको जाएगा, रेमंड को जाएगा. तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस करते हुए जो प्रॉफिट बचेगा वो सारा रेमंड की कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, रिवोल्यूशन डेबिट टू रेमंड्स कैपिटल. उसके बाद एक पॉइंट है एफ पॉइंट, दो चीजें, एक एसेट इन्वेस्टमेंट वाली और एक लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट है, जो कि नई पार्टनरशिप
नहीं एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है, यानी कि रेमंड की थी, रेमंड को ही जाएंगी एसेट भी और लायबिलिटी भी. तो इन्वेस्टमेंट की एसेट, इन्वेस्टमेंट एसेट को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना, इसको पुराना जो एक पर्सन सोल प्रोप्राइटर था रेमंड वो ले लेगा, जिससे हम उसकी कैपिटल कर देंगे कम. इन्वेस्टमेंट टेकन में कैपिटल रिड्यूस हो जाती है क्योंकि किसी भी पार्टनर या ओनर के साथ कैश में डीलिंग करनी नहीं है. तो रेमंड नाम का ये जो भी पार्टनर बन गया है अब साइमन के आने के बाद, तो रेमंड पार्टनर की कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली है और एक लायबिलिटी भी ले रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट. ठीक है, ये भी हमें न्यू फर्म की बैलेंस शीट में बिल्कुल नहीं दिखानी क्योंकि नई फर्म या न्यू बिजनेस जो अब फर्म चेंज हो गई है तो वो इन दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे. ठीक है, एक एसेट को डेबिट से क्रेडिट करके ख़त्म और एक बैंक ओवरड्राफ्ट को आपने क्रेडिट से डेबिट करके कैंसल यानी कि खत्म कर देना है क्योंकि इसको रेमंड नाम का पार्टनर ले रहा है. लायबिलिटी टेकन में कैपिटल हमने इंक्रीज कर दी और एसेट टेकन में हमने कैपिटल डिक्रीज कर दी. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइमन को अपनी कैपिटल लानी है. पूरे क्वेश्चन में कैपिटल कितनी ला रहा है नहीं गिवन, लेकिन लिखा हुआ है जितनी रेमंड कैपिटल लाएगा उतनी ही साइमन को कैपिटल देनी होगी. तो अब तक हमने सारी जो जर्नल एंट्रीज करी हैं वो रेमंड से रिलेटेड है. ठीक है, तो अब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और जितनी कैपिटल रेमंड की होगी बिल्कुल उसके बराबर ही साइमन कैपिटल लेकर आएगा. ठीक है, पहले एक था लेकिन अब ये दो दो हो गए हैं तो पूरी फॉर्म सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गई है. तो अब हम यहाँ पर कैपिटल लेंगे जो कि एक अकेला ही पर्सन था सोल प्रोप्राइटर रेमंड, जिसकी पहले से कैपिटल चल रही थी. बैलेंस शीट में जो कैपिटल है वो ओनली इसी सोल प्रोप्राइटर रेमंड की कैपिटल है जिसको हम यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में डालेंगे 4 लाख. अब कौन कौन सी चीजें ऐसी थी जिससे रेमंड की कैपिटल इंक्रीज हुई थी, वो है रिवोल्यूशन क्योंकि सारा प्रॉफिट यही इंजॉय करेगा. ऐसे ही उसने लायबिलिटी टेक ओवर कर ली तो हमने रेमंड की कैपिटल बढ़ा दी. और नया पार्टनर क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों साइमन जब आया तो 40,000 प्रीमियम का लेकर आया. पहले एक ही जना था सारा प्रॉफिट लेता था, अब दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करने वाला, ये अकेला है तो सारा प्रीमियम फॉर गुडविल जो साइमन लाएगा वो रेमंड को मिलेगा. ही इज अ अलोन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर. तो प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी साइमन लेकर आ रहा है ये ला रहा है बच्चों अमाउंट 40,000. ये सारा रेमंड की कैपिटल में ट्रांसफर करके हम इंक्रीज कर देंगे इसका बैलेंस. और क्या रेमंड जो पहले से ही एग्जिस्टिंग था क्या उसकी कैपिटल कहीं रिड्यूस हुई है? यस, उसने फर्म की एक एसेट जो कि इन्वेस्टमेंट थी वो उसने टेक ओवर की है 25,000 की वैल्यू पर. तो ये सारी चीजें ओपनिंग बैलेंस, रिवोल्यूशन, बैंक ओवरड्राफ्ट वाली लायबिलिटी, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये सब कैपिटल में प्लस होंगी और इन्वेस्टमेंट टेकन कैपिटल में से माइनस होगी. एट लास्ट हम रेमंड की कैपिटल का एडजस्टेड बैलेंस निकालेंगे जो कि आ रहा है 494,500. अभी इतने सारे क्वेश्चन में हमने प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना सीखा लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि साफ साफ लिख दिया जितनी रेमंड की कैपिटल है सेम इतनी ही 494,500 न्यू पार्टनर साइमन लेकर आएगा. तो हम वो बाय बैंक करके मंगवा लेंगे और अब बैलेंस शीट में सारी एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे. ठीक है, और दोनों पार्टनर की कैपिटल को शो करना क्योंकि इन्वेस्टमेंट और बैंक ओवरड्राफ्ट देखिए यहाँ पर कैंसिल ही हो गए थे तो अब ये न्यू बैलेंस शीट में नहीं आएंगे. तो एसेट और लायबिलिटी दोनों आपकी टैली होगी. तो आज बच्चों हमने 74 तक ऑलरेडी करे हुए थे सम, 75 to 81 इलस्ट्रेशन अच्छे से रिवाइज करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन करनी है. कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू.